गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप सब कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए आज हम चलते हैं। जश का आज है पीटीएम, चलिए मेरे साथ। जश तो तैयार हो चुका है, अभी मैंने तैयार होना है। घर की सारी साफ सफाई कर दी है मैंने। तो ठीक है गाइस, अभी मिलते हैं, फिर चलते हैं जश की पीटीएम में। हाँ जी, जशदीप जी तैयार हो गए पीटीएम में जाने के लिए। ਬਾਏ ਕੌਣ ਕਾਤੋ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਕਿੰਨੇ ਆਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਆਣੇ ਨੇ, ਨਾ ਆਏ ਤੇ ਗਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੁਸੀਬਤ ਤਾਂ ਮਰਨ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪੀਟੀਐਮ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਪੀਣਾ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਸਵਾਦ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉੱਪਰ। ਅਬ ਦੇਖਤੇ ਬਸ ਕਬ ਤੱਕ ਆਤੀ ਹੈ, फिर आपको मिलते हैं। बाय बाय। यहाँ पे बहुत जाम लगा हुआ है, हम बहुत लेट हो चुके हैं, इतना लेट हो गया, मतलब जाम लगा हुआ है बहुत ज़्यादा। फिर मिलते हैं आपको स्कूल पहुँच के। फाइनली घर हम पहुँचे 3:30 बजे, और 2 बजे नहीं सॉरी 1:30 बजे पहुँची। मैं मीटिंग अटेंड करी और इतना वक्त लगा मुझे, 11 बजे की बस में बैठी, हिसाब लगा लो कितना टाइम लग गया मुझे जाम में। बुरी हालत हो गई, जाम ने तो अत कर दी हुई है, बहुत ज़्यादा जाम है। ऊपर से टीचर्स बोल रहे वेरी वेरी लेट मैम, तो मैं बोला आई एम सॉरी मैम, जाम ने काम खराब कर रखा है। बाहर नेवले घूम रहे हैं, मुझे डर लग रहा है, जंगली नेवले हैं। मैं आपको दिखाऊंगी किसी दिन ब्लॉग में, नेवले बहुत घूमते हैं हमारे। अभी आया था फिर वापस चला गया। तो गाइस अब मैं चाय पीती हूँ, जैसे ट्यूशन जा चुका है, 5 o'clock हो चुके हैं। तो चलिए आज मैं बनाऊंगी पालक पनीर, सब्जी भाजी लाई मैं, आज हम बनाते हैं डिनर में पालक पनीर। तो मुझे मैं दिखाती हूँ आपको कैसे बनाती हूँ मैं पालक पनीर, और आप मुझे बताना आप कैसे बनाते हो। तो चलिए बने रहिए मेरी वीडियो के साथ। तो इधर मेरी पक रही है जी चाय, और इधर करते हैं सब्जी की तैयारी। पालक और घिया लाई आज मैं, ये है कि हम बनाएंगे कोफ्ते, हम बनाएंगे पालक पनीर। मैंने पानी डाल दिया उबलने के लिए, थोड़ा सा उबल जाएगा एक गिलास। हम करती हूँ कटिंग पालक की। पालक पक रही है तो इधर मैं करती हूँ अब तड़के की तैयारी। साथ साथ तड़का भून लेते हैं, फिर पालक ठंडी होगी पीसूंगी, फिर तड़के में डाल देंगे। लहसुन भी छिला हुआ, अदरक, हरी मिर्च और टमाटर धो के रखा हुआ, धनिया भी चुगने को है, धोने को है। तो इधर मैंने प्याज भी कटिंग करके रखा हुआ है। चलिए अब हम लगाते हैं पालक को तड़का। जी मैंने अब तेल डाल दिया हुआ पकने के लिए, और मसाला पीस चुकी हूँ मैं सारा। टमाटर है पीसने को, अदरक थोड़ा ज़्यादा हो गया था मैंने निकाल दिया, इसको साइड में रख देते हैं। चलिए पहले हम डालेंगे इसमें जीरा। तो पहले हम इसमें डाल देते हैं जीरा। तो अब मैंने डाल दिया इसमें मसाला, फोन ट्राईपॉड पे लगा नहीं तो मैंने ऐसे इसे डाल दिया, मैं बाद में दिखा देती हूँ। जो मैंने पीसा था हरी मिर्च, अदरक, लहसुन और प्याज, फिर तो खराब होने तक भूनते हैं। तब तक हम धनिए को साफ कर लेते हैं, तब तक मसाला भून हो रहा है। चलिए मेरा धनिया तो साफ हो गया, साथ साथ तड़का भी भून हो गया। अब हम इसमें डालते हैं टमाटर।
तो जी प्याज को सुनहरा हो चुका था, मैंने इसमें डाल दिया है टमाटर। अब इसको अच्छे से मिलाते हैं, फिर इसमें डालते हैं हम मसाले। तो जी मैंने लाल मिर्च डाल चुकी हूँ, अब इसमें मैं डालूँगी हल्दी। हल्दी थोड़ी डालनी पड़ेगी क्योंकि हरी तो होती है पालक। तो इसमें डालूँगी मैं धनिया पाउडर और गर्म मसाला जो पड़ा है मेरा, मैं डालती हूँ। मेरे हाथ से फ़ोन नहीं पकड़ा जा रहा है तो मैं डाल के आपको मिक्स करती है। फिर मैंने सारे मसाले डाल दिए, गरम मसाला, धनिया पाउडर, हल्दी, मिर्च पाउडर, आप अपने हिसाब से डालना, मैंने अपने हिसाब से डाले हैं। जैसे आप तीखा खाते हैं या कम खाते हैं। तो इधर मैंने रखा हुआ है पनीर काट के, तो ये भी हम थोड़ा इसमें भून लेते हैं, क्योंकि अगर नहीं भूने कच्चा डालेंगे तो उसके छोटे छोटे पीस हो जाते हैं। आप अलग से भी तेल में इसको फ्राई कर सकते हो, पर मैंने इतना ऑयली नहीं बनाना तो इसलिए मैं ऐसे ही इसमें थोड़ा सा भून लेती हूँ। आप देख सकते हो मैंने ऐसे डाल दिया इसमें सारा। चलो यही क्योंकि बच गया तो भी चले इसमें, तो चलिए मैश कर देते हैं अच्छी तरह से मिक्स। मैश तो क्या सॉरी, मिक्स कर देते हैं। देखिए आप अच्छी तरह से मिक्स कर दिया मैंने मसाले के साथ पनीर को, थोड़ा भून हो जाएगा तो अच्छा टेस्ट आएगा इसमें। चलिए अब देखते हैं, पालक ठंडी हो गई है फिर हम पालक पीसते हैं। ये हमारा तड़का तो पनीर पालक का हो चुका है। पालक का मसाला तो मैंने तैयार कर दिया, मतलब तड़का, अब हम पालक पीसेंगे। यश आ चुका है, चलिए मैं दिखाती हूँ। यशदीप पधार चुके हैं हमारे, तो ये देखिए गाइस यशदीप आ चुका है। हाँ जी यशदीप जी बोलिए। क्या भूख लगी है? भूख लगी है, भूख लगी है तो फिर दूध पियो। दूध नहीं, रोटी खा। रोटी नहीं अभी बनी, रोटी तो अभी बनेगी। पालक मैंने तड़का लगा चुकी है, वो पीसनी है बस। ठीक है, तो लीजिए मैंने पालक पीस कर पनीर और मसाले में डाल दिए। अब हम इसको अच्छी तरह से मिला लेते हैं और थोड़ा सा पका लेंगे हम। तो अब हम इधर बैठ के थोड़ी बात करते हैं, तब तक पालक पक रहा है। तो मैंने एक पालक की गुच्छी में 250 ग्राम पनीर डाला है। आप अपने हिसाब से जितने मेंबर है घर के उस हिसाब से बना सकते हो, जितना पनीर डालना और जितनी पालक बनानी है आप बना सकते हो। तो गाइस मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी, शेयर करना आगे से आगे। और जो नए हैं मेरी वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट करना, शेयर करना मत भूलना। अच्छी अच्छी रेसिपी मैं आपको वीडियो बना बना कर डालूँगी। तो जी अब तब तक के लिए करते हैं अभी इसी ब्लॉग को एंड। अब लंबा हो जाएगा ब्लॉग मेरा बहुत ज़्यादा। तो देखिए अब 7:00 हो चुके हैं, बाहर मैं दिखा देती हूँ आपको। अभी है दिन बहुत है, दिखा देती हूँ। तो गाइज अब तब तक के लिए करते हैं आपको बाय बाय, अपना अच्छे से ध्यान रखना तब तक के लिए। तो मेरी वीडियो के साथ बने रहना नई नई वीडियो देखने के लिए। अब मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना अच्छे से ध्यान रखना, बाय।